हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज मैं जो लेके आया हूँ वो है ग्लो बीबी फेशियल के बारे में, जिसको आप घर में बैठ के इट्स अ बीबी फाउंडेशन बेसिकली, इट्स अ मेसोथेरेपी की प्रोडक्ट। आप मेसोथेरेपी के थ्रू इसको अपने स्किन में अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, जो आपको एक फाउंडेशन, जो एक लगाने वाला फाउंडेशन आता है, और आजकल जो नया आया है ये कोरियन है प्रोडक्ट, और ये है मीसो फाउंडेशन। आप देख सकते हो इसमें दो शेड है, एक डार्क है, थोड़ा लाइट है। तो इसको क्या करा किया जाता है, दो तीन तरीके से स्किन के लेयर के अंदर सेट किया जाता है। जो फाउंडेशन मार्केट में आते हैं वो ऊपरी सतह पे अप्लाई करके उसको छोड़ दिया जाता है, अब वॉश करेंगे रिमूव हो जाएगा, तो वो होता है टेम्प्रेरी फाउंडेशन। बट ये है मीसो फाउंडेशन, जो एक बार यूज़ करने के बाद इसका रिजल्ट एक दो महीने चलता है, और ज़्यादा भी चल सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से और कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये 5 ml की बॉटल आती है, और इसको मैं रिकमेंड करूँगा आपको डर्मा पेन के थ्रू यूज़ करना। तो मैं आपको बताऊँगा कि डर्मा पेन के थ्रू आप घर में कैसे खुद इसको इंजेक्ट करके एक जो मीसो फेशियल है वो आप करा सकते हो। जनरली ये हम लोग क्लिनिक में भी ट्रीटमेंट करते हैं, और इस ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग पर सेटिंग अराउंड 4,000 to 5,000 होती है एक सेटिंग की कॉस्टिंग। बट अगर आप इसको घर में करेंगे तो ये 5 ml की बॉटल है, और इसकी प्राइस है 3,000 rupees, जो आप लेस्को मेक पे बाय कर सकते हो, और इसको आप 5 बार यूज़ कर सकते हो। 5 ml है, 1 ml आप पर सेटिंग यूज़ करेंगे तो ये 5 times चलेगा, तो 3,000 में आपकी 5 सेटिंग होगी। और अगर यही ट्रीटमेंट अगर आप क्लिनिक में कराओगे तो अगर 5,000 भी पर सेटिंग चार्ज किया जाता तो 5 आप इंटू कर लेना, बहुत सारा है गणित। इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको डर्मा रोलर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज क्लिनिक में हम लोग क्या करते हैं, हम इसको इंसुलिन सीरम में निकालते हैं और फिर स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा देता है। बट क्योंकि आप लोग वहाँ पे क्लिनिक में का जो आप लोग नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर में इसको डर्मा रोलर के थ्रू या आप ये डर्मा पेन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। डर्मा पेन ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने में, और ज़्यादा अच्छे से आप इस प्रोडक्ट को इंजेक्ट कर सकते हैं स्किन में। तो आपको आप बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है कि आपको अपने फेस की स्किन को नम करना है, तो उसके लिए मैंने डोलोकेन, ये नमिंग क्रीम है, ये यूज़ की है डोलोकेन। इसको आपको 45 मिनट तक लगा के रखना है मोटी लेयर पूरे फेस में। मैंने जिस डेमो के लिए कर रहा हूँ तो मैंने थोड़े एरिया में लगाया हुआ है, और मुझे अभी क्लिनिक में नीचे जाना है, तो जस्ट मैं डेमो के लिए लगाया है मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ डर्मा पेन क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। ये इस तरीके के बॉक्स के साथ आता है, और ये पेन आप एक बार लेंगे, अच्छी क्वालिटी का पेन आता है 3,000 rupees का, और इसमें दो निडल्स होती हैं, जो एक निडल आपकी कम से कम 5 से 10 बार आप यूज़ कर सकते हो, इसमें दो आती हैं तो आपकी अराउंड आप एक पर्सन खुद यूज़ कर सकता है। तो अगर आप घर में दो लोग हैं तो दो लोग अलग अलग निडल्स को यूज़ कर सकते हो। ये 12 निडल का सेट है, इसमें 12 निडल हैं एक उसमें। तो ये जो डर्मा पेन है इसकी खासियत ये है कि इसमें और इसमें डर्मा रोलर में फ़र्क क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बिकॉज ये डिफरेंट डर्मा रोलर जो आते हैं वो ये जैसे ये 0.5 mm का है, इसे 1 mm का भी आता है, 1.5 mm भी आता है, और 2.5 mm भी आता है। अगर डीप स्कार है तो आप 2.5 mm यूज़ किया जाता है या 2 mm यूज़ किया जाता है, बट आप घर में इतना हैवी आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें ब्लीडिंग भी होती है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि घर में अगर आप डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं तो 0.5 mm यूज़ करिए, वो बहुत ईजिली और बहुत पेनलेस आप कर सकते हो। डर्मा पेन की खासियत ये है कि आप इसके निडल को सेट कर सकते हो, इसमें यहाँ पे मार्कर दिया हुआ है, आप इसको घुमाएंगे और ये सेट हो जाएगा, आप इसको सेट कर सकते हो। और इसमें एक अडेप्टर आता है, आपको अडेप्टर फिक्स करना है नीचे, और इसको ज़ोर से दबा के रखना है, वही चालू हो गया। इसमें इंटेंसिटी को भी आप सेट कर सकते हो, जितनी बार दबाएंगे उतनी बार और तेज़ होता जाएगा वो। तो मैं भी आपको बताता हूँ करना क्या है। तो ये है डर्मा पेन, इसमें आपको निडल को सेट करना होता है। निडल में इस दो आपको निडल साथ में फ्री आती हैं, आपको इसको निडल को निकालना है, ग्लव्स पहन के करिएगा सब चीज़ें, क्योंकि स्किन अपनी है, पड़ोसी की स्किन नहीं है, थोड़ा प्रोटेक्शन लीजिएगा। इसको जस्ट इस तरीके से अंदर डाल के सेट करके लॉक कर देना है, ये लॉक हो गया, इसको दबा के रखिएगा। अभी मुझे इसमें पॉइंट दिए हुए हैं आप कितने पे सेट करना है, मैं यूज़ करूँगा 0.5 यूज़ कर सकते हैं या 0.75 पे भी यूज़ कर सकते हो आप। इसमें निडल की डेप्थ आपकी स्किन में जाएगा,
तो बिकॉज मुझे ये यूज करना है, इसके थ्रू आप कोई भी मीजोथेरेपी प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट है आप वो इंजेक्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ये बीबी ग्लो यूज करें, इसके साथ जो मेलासेंस आता है ये भी स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज होता है, आप ये भी इंजेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे रेडियंस सीरम है शाइनिंग के लिए, और बी लिफ्ट है, एजीएफ है जो ग्रोथ फैक्टर है, स्किन के लिए, लिफ्टिंग के लिए यूज होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट आप घर में बैठ के यूज कर सकते हो। मीजोथेरेपी होती क्या है? बेसिकली मीजोथेरेपी कुछ नहीं है, आप मीजो लेयर में, स्किन की मीजो लेयर में कोई भी चीज आप इंजेक्ट करते हैं थ्रू नीडल, थ्रू डर्मा रोलर और थ्रू डर्मा पैन, वो इट्स कॉल्ड मीजोथेरेपी। रिजल्ट होता है प्रोडक्ट के ऊपर, ये चीज़ें इतना रिजल्ट नहीं देती, जो प्रोडक्ट इंजेक्ट करोगे वो रिजल्ट देता है। तो हमेशा अच्छा प्रोडक्ट यूज करें। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने जो ये क्रीम लगाई है प्रीलॉक्स नमिंग क्रीम है, इसको आप क्लीन करिए 45 मिनट के बाद, इसको स्पेशल से रिमूव कर दीजिए। माइट बी किसी किसी को ये नमिंग क्रीम से दर्द नहीं होता, ये सुन कर देती स्किन को, किसी किसी को इसको लगाने से रेडनेस आ सकती है, तो डरिएगा नहीं, ये कॉमन ये रिमूव करने के बाद आपको बीटाडीन यूज़ करना है, आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा बीटाडीन से आपको अपनी स्किन को डिसइंफेक्ट करना है, कोई भी बैक्टीरिया आपकी स्किन के लेयर में होंगे तो वो मर जाएंगे, बिकॉज अपनी स्किन है ना, थोड़ा सा केयर तो करना पड़ेगा, वरना कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं अगर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करते। तो ग्लव्स पहनेगा, प्रीलॉक्स लगाने के बाद इसको प्रॉपर क्लीन करना है आपको। बीटाडीन जनरली 60 सेकेंड लेती है वर्क करने के लिए, प्रॉपरली क्लीन करें बीटाडीन से, उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टेरियम से क्लीन करें, स्टेरियम भी आपके डिसइंफेक्शन का काम करता है, कोई भी बैक्टीरिया स्किन क्लियर में वो उसको रिमूव कर देगा, पोर्स को ओपन कर देगा, डस्ट को रिमूव कर देगा और क्लियर आउट कर देगा। ये मैं छोटे छोटे वीडियो बना दूँ ताकि आप घर में बैठ के खुद ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं वो ना मेरे पास आओ, मैं आपको सब कुछ करके दूंगा। इसको आपने रिमूव कर लिया, अभी आपने थोड़ा अभी इसको, ये जो बॉटल्स हैं दो शेड है आपने, अगर आपकी स्किन लाइट है, मेरी स्किन टाइप का है, तो आप इसमें जो लाइट वर्जन है वो वेबसाइट में दिया हो लेस्को मेक में वो लीजिएगा, या फिर आप थोड़ा डार्क है तो आप थोड़ा डार्क लीजिएगा, एकदम डार्क स्किन वाले लाइट को मत लीजिएगा वरना थोड़ा अजीब सा लगेगा। इसको अच्छे से हिलाना है आपको क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें थोड़ा ठीक रहता है, तो अच्छे से हिला के बॉटल को खोल लीजिएगा सिरिंज। इसको आपको सिरिंज से 1 ml निकाल लीजिएगा, पूरा ओपन मत कीजिएगा वरना वो ओपन हो जाएगा, इसके बाद आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। इसको 1 ml निकाल लीजिएगा और किसी भी ग्लास की पेटी डिश में आप या ग्लास के बाउल में इसको रख के निकाल लीजिएगा। अभी आपको करना क्या है, एक ब्रश लीजिएगा और इसे आपको अपने फेस पे लगाना है, ये थोड़ा गाढ़ा है, इट्स अ मीजो फाउंडेशन, ओके, इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। मैं पूरे फेस में यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको पूरे फेस में यूज करना है जिस जिस एरिया में आपको लगाना है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, शाइनिंग आ जाएगी और ये एक टेम्प्ररी सेमी परमानेंट मेकअप की तरह काम करेगा। अब आप डेली मेकअप नहीं कर सकते, ऑफिस गोइंग है कुछ है, तो आप इसको अप्लाई करके रखिए और ये लॉन्ग टर्म आपकी स्किन को रिजनरेट भी करेगा और व्हाइटिंग इफेक्ट भी देगा और पिगमेंटेशन भी खत्म करेगा और बहुत कुछ अच्छा। इसको इस तरीके से लगा लेने का, इस पर नीडल फिक्स करो, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसको धीरे धीरे अपनी स्किन में चलाना है। अगर आप बियर कर सकते हो तो ठीक है, वरना इसको और थोड़ा डेप्थ बढ़ा लें, जैसे मैंने 1 कर लिया है, 1 ml, अगर आप कर सकते हो तो इट्स गुड। और धीरे 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 इसको आपको चलाना है ताकि ये जो मीजो फाउंडेशन है ये आपकी स्किन की लेयर के अंदर इंजेक्ट हो जाए। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ डेप्थ को क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल फील ना करें तो ज़्यादा डीप मत जाइएगा।
और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में कोई भाई बहन है, फ्रेंड है या कोई है, तो आप उनको बोलिए वो आपको करके देंगे। जैसे मेरा वीडियो दिखा दो उन्हें, बहुत सिंपल है यूज़ करना, और एल्स आप अपने खुद भी यूज़ कर सकते हैं मिरर के सामने, जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। इस तरीके से आप करना है, ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, रिजनरेट भी करेगा और एक ग्लोइंग इफेक्ट भी देगा। फोरहेड पे मुझे थोड़ा पेन हो रहा है तो मैंने इसको कम कर देता हूँ, मैं 0.75 कर रहा हूँ, बट डिपेंड करता है क्योंकि मैंने नमिंग क्रीम कम देर के लिए लगाई इसलिए मुझे फील हो रहा है। आप ऐसा मत करिएगा, आप प्रॉपरली जब तक वो डीप इनसाइड नहीं जाएगा स्किन के, वो रिजल्ट नहीं देगा। हमको इसको स्किन की लेयर के अंदर सेट करना है, हमारा मेन एम है इसको स्किन की लेयर के अंदर सेट करना। डर्मा पेन बहुत अच्छा है क्योंकि आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो, इसको रीयूज कर सकते हो, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा मैं आपको, और इसके बाद आप मल्टीपल चीज़ें इंजेक्ट कर सकते हो डर्मा पेन से ही, और ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। एक बार आप इसको ले लो और फिर रेगुलर आप इसको अलग अलग चीज़ें इंजेक्ट कर सकते हो। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप अपने क्लिनिक पे पेशेंट के लिए ले सकते हो ये वाला, आपका ब्यूटी पार्लर है तो आप वहाँ पे ये प्रोडक्ट आप इंजेक्ट कर सकते हो उनको, और आप घर पे भी खुद भी कर सकते हैं। चिन एरिया थोड़ा थिक होता है तो मैं इसमें थोड़ा डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ा रहा हूँ, मैंने 1.5 mm की है बिकॉज यहाँ पे मैं बियर कर सकता हूँ। फोरहेड थोड़ा, याद रखिएगा निडल आपने जो फिक्स करी हो प्रॉपरली फिक्स्ड हो, ऐसा ना लूज हो तो वो गिर जाए। अगर आप ये निडल यूज कर रहे हैं अपने ऊपर तो याद रखिए आप अपने ऊपर यूज करें, किसी और के ऊपर यूज ना करें, ये सिंगल यूज निडल है। आप अपने ऊपर 4 से 5 बार या 6 बार भी यूज कर सकते हो, उसको क्लीन करके प्रॉपरली सेफली रख लें, और हमेशा हर बार अगर यूज करें तो उसको क्लीनिंग करें उसके बाद यूज करें। अब स्लोली इसको मूव करना है, इसको धीरे धीरे खिसकाना है पूरे एरिया में। याद रखिए जल्दबाजी मत करिएगा, आपका जल्दी जल्दी मूवमेंट से ये रिजल्ट नहीं देगा। आप जितना स्लो मूव करेंगे उतना अच्छा ये इंजेक्ट करेगा स्किन के अंदर मेडिसिन को, और हमारा मेन एम है मेडिसिन को इंजेक्ट करना। आंखों के बहुत पास नज़दीक मत लेके जाइएगा बिकॉज वहाँ की स्किन बहुत थिन होती है तो आपको इंजरी हो सकती है। ये कोरियन प्रोडक्ट है मीजो फाउंडेशन, बीबी ग्लो के नाम से मार्केट में मिलता है, ये आपको lescomic.com पे मिल जाएगा। इसकी प्राइस है 3000 rupees, और विथ डर्मा पैन ये 5000 का आएगा। उसमें आपको एक वाइल इसकी मिलेगी और साथ में डर्मा पैन मिलेगा। सेपरेटली आप खरीदेंगे तो ये 3000 का है और ये भी 3000 का है। आप एक बार मीजो पैन खरीदने के बाद आप सेकेंड टाइम में वाइल खरीद सकते हो। इस तरीके से प्रॉपर करने के बाद जो आपको लगे कि हाँ मेरा सफिशिएंट रिजल्ट आ गया है या आपने अच्छा कर लिया है, पूरे में एरिया को कवर कर लिया है, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लगा के छोड़ दो ओवरनाइट, आप इसको रात में यूज़ करिए ताकि ये और अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। ये एब्जॉर्ब होने के बाद आप इसको मॉर्निंग में वॉश करिए, सनस्क्रीन आपको रेगुलर लगाना है, और ताकि सनस्क्रीन लगाएंगे तो सन प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रॉपरली सनस्क्रीन लगाइए, साथ में चाहे तो ओरल सनस्क्रीन खाइए, यूवी चेक नाम से जो आती है आप वो ले सकते हो, उसको डेली खाइए सुबह 9 बजे। और इसको इसके साथ इसके बाद अगर आप डर्मा पैन आपके पास है तो आप मीजोथेरेपी के जो डिफरेंट ये मीजो कॉकटेल्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आप इन सबको फॉलो कीजिए। और भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरी आईडी है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा www.lescomic.com पे, वहाँ पे जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके क्लिक करिए और जाके परचेस कर लीजिए। और इसको सुबह धोना है नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो मैं भी वॉश नहीं करूँगा क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता प्रोडक्ट को,
तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, बाय।